पूजा करेंगे तो ईश्वर सुनेंगे। क्या आप पूजा करते हैं पर उसका फल आपको नहीं मिलता है? क्या आपकी प्रार्थना आपके इष्ट द्वारा सुनी नहीं जाती है? क्या ऐसा लगता है आपको कि आप जो पूजा कर रहे हैं, आप जो साधना कर रहे हैं, उसकी सिद्धि नहीं हो पा रही है, या आपके जो इष्ट हैं जिनकी भी आप पूजा कर रहे हैं वो आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, या आप उन तक कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, पहुँच नहीं पा रहे हैं? तो पूजा करने के क्या नियम होने चाहिए या क्या सावधानियां हमें पूजा करते वक्त बरतनी चाहिए, उनके बारे में आज बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, आपसे प्रार्थना करता हूँ फिर से एक बार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि अगर उनको भी ये समस्या हो रही है तो आज वो भी इस वीडियो को देखकर इस समस्या से निदान पा जाएंगे। पूजा करेंगे तो ईश्वर सुनेंगे। जय गुरु गोरखनाथ की, जय बागड़ वाले की, जय धाम आहार की, सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। तो दोस्तों, जो भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल चेला गोरख का पर, क्योंकि गोरखनाथ की कृपा सब पर बनी रहेगी, यही हमारी आशा है। और गोरखनाथ महाराज की जो पूजा पद्धति है, जो उन्होंने बताया है पूजा के बारे में, जो उनकी शिक्षा है पूजा के बारे में, जो उनके उपदेश है पूजा के बारे में, कि पूजा करते वक्त किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, पूजा करते वक्त क्या क्या नियम रखने चाहिए, पूजा किस तरह से करनी चाहिए, अगर आज आपने वो चीज़ें सारी लास्ट तक ध्यान से सुनेगा, क्योंकि एक एक बार में एक एक बातें बताता रहूँगा, तो उसको नोट कर लीजिए। अगर आपने वो सारी बात मानी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो पूजा करेंगे, जो साधना करेंगे, आपका ईश्वर उस पूजा के ज़रूर फल देगा, ज़रूर सुनेगा, और आप अपने प्रभु से, अपने ईश से कनेक्ट हो जाएंगे। आप पूजा किसी की भी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसमें गुरु गोरखनाथ जी की स्पेसिफिक पद्धति नहीं बता रहा हूँ, मैं उनकी शिक्षा के अनुसार अपने ईश की पूजा किस तरह करें वो बात आप आज को बताने वाला हूँ आज आपको। तो लास्ट तक देखते रहिए, जान से रहेगा और बने रहेगा, सोच के, समझ के, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम देखिए, ये समझने वाली बात है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि किसी का भी सच्चा होना ईश्वर की पूजा के लिए बहुत ज़रूरी है। सच्चा होना मतलब शारीरिक रूप से सच्चा होना। सपोज अगर आप रात भर सोए हैं तो सोने के बाद आपको सुबह उठकर नहाना ज़रूरी है, आप नहाइए ज़रूर, अपने शरीर को स्वस्थ करिए। देखिए, मन का सच्चा होना, विचारों का सच्चा होना, वो आपका एक अलग ही मुद्दा है, वो तो होना ज़रूरी है, तभी आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे। पर उसके अलावा आपके शरीर का भी सच्चा होना, वो भी ज़रूरी है। तो आप सुबह उठ के नहाइएगा। अगर आप पूरी रात नहीं सोए हैं तो भी आपको नहाना पड़ेगा, या आप अपने परिवार में गृहस्थ जीवन में हैं तो भी आपको नहाना पड़ेगा। केवल एक ही कंडीशन है जिसमें आपका नहाना ज़रूरी नहीं है, आप अगर सत्संग में बैठे हैं, आप किसी जागरण में बैठे हैं, आप किसी रत जगह में बैठे हैं, आप किसी गुरु के सत्संग में बैठे हैं और पूरी रात वहीं बैठे हैं, तो आपको स्वच्छ माना जाता है, आपके लिए नहाना ज़रूरी नहीं है। तो उस कंडीशन में केवल आप क्या कर सकते हैं, एक मुट्ठी में जल लेकर पंच स्नान की जो प्रक्रिया है उसको भी कर सकते हैं, या गंगा जल अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, तो आप स्वस्थ माने जाते हैं। और सच्चे विचारों का स्वच्छ होना, विचारों का सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। आपका पूजा करते समय जब आप पूजा करने जा रहे हैं तो आपके विचार पूजा करने के लिए ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फटाफट से जल्दी जल्दी कर ले यार, मैं चल रहा हूँ और फटाफट पूजा करके बस जोत करनी है, बस भगवान जी को बेवकूफ़ बनाना है। तो जब आप बेवकूफ़ बनाते हैं भगवान जी को कि भाई मैंने आए फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी टन 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 घंटी बजाई और फटाफट से जोत ऐसे ऐसे घुमा दी बाबा के सामने, अपने ईष्ट के सामने, और बस समय देख लें हर बार, ओहो 10 मिनट बचे हैं, कंपनी के लिए लेट हो रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, और भाग जाते हैं। तो बस उसी तरह जिस तरह आप बेवकूफ़ बनाते हैं, उसी तरह आपके ईष्ट, आपके भगवान आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते, फिर वो ही पागल बना देते। ठीक है भैया, तेरे पास समय नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं है। अगर तेरे पास हमारे लिए समय नहीं है तो मेरे पास तेरे लिए समय नहीं है। पर क्या करें, वो माता पिता हैं, वो हमारे ईष्ट हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, तो वो अपनी कृपा ज़रूर बना के रखते हैं आपके ऊपर, आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं, पर आपकी बात नहीं मानते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने विचारों में शुद्धता रखनी है। हमें विचार जब हम पूजा करने जाएं, चाहे हम 10 मिनट करें, चाहे 5 मिनट करें, चाहे हम भगवान जी कैसे हाथ ही जोड़ कर आ जाएं, पर जिस वक्त हम हाथ जोड़ रहे हैं हमारे मन में केवल ईश्वर होना चाहिए, केवल अपने ईष्ट होने चाहिए। इस विचार को रखेंगे तो आपकी पूजा सफल हो जाएगी। दूसरा नियम, अगर आपके घर में आपने कोई भी जगह बना रखी है ईश्वर के लिए, भगवान के लिए,
जहाँ पे आप उनको रखते हैं, जहाँ उनकी तस्वीरों को आपने जगह दिया है या पिंडी को आपने जगह दिया है या जिस भी रूप में आपने उनको जगह दे रखी है, तो उस मंदिर की सफाई रोज करें, रोज करें, रोज। जल्दी उठिए भाई साहब, आपको सफाई रोज करनी, चाहे आप करें, आपकी पत्नी करे, आपकी बेटी करे, आपका बेटा करे, कोई भी करे, पर उस मंदिर की सफाई रोज करें। जैसे आप अपने कपड़ों की सफाई रोज करते हैं, अपने शरीर की सफाई रोज करते हैं, घर में डेली झाड़ू मारते हैं ना, इसी तरह मंदिर के अंदर झाड़ू क्यों नहीं मारते हैं, मंदिर के अंदर क्यों सफाई नहीं करते हैं? अब जाहिर सी बात है, या तो मंदिर के लिए, अगर मंदिर छोटा है तो उसमें झाड़ू तो लगेगी नहीं, अगर मंदिर के लिए झाड़ू अलग रखनी पड़ेगी तो लगेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, मंदिर के लिए कपड़े बना देते हैं, उससे कपड़े से हम उस मंदिर को पोंछ देते हैं, सफा कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तस्वीरों के ऊपर, तस्वीरों के लिए साफ कपड़े से तस्वीरों को पोंछ दिया जाता है। ये आपको रोज करना है, मंदिर की सफाई आपको रोज करनी है, ध्यान रखना है, सफाई मंदिर की डेली होनी चाहिए। आपका अगर कोई कपड़ा वगैरह आपने बिछा रखा है, चुन्नी आपने चढ़ा रखी है, तो वो बदलना जरूरी नहीं है, पर मंदिर की सफाई होना जरूरी है डेली, रोज। दूसरा नहीं, आपके मंदिर में जितने भी दैवीय उपकरण हैं, मतलब कि घंटी, जोत, कोई लुटिया हो जिसमें जल रखते हो आप, कोई छोटी कटोरी या थाली हो जिसमें आप टीके के लिए कपूर चंदन या रोली रखते हैं टीके के लिए वो, या आप अपने उसमें शंख रखते हैं, या इसी तरह कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आइटम आप अपने पास रखते हैं पूजा के आले के अंदर, तो उसकी भी सुबह को जब आप पूजा करने जाते हैं तो आपको वो डेली धो के रखने हैं, उनको रोज धोना है। अगर वो रखे हुए हैं अंदर, आप उनको नहीं धोते हैं, तो भी आपकी पूजा पूरी नहीं होती है, ईश्वर तब भी आपको उतना फल नहीं देते जितनी जल्दी आपसे कनेक्ट होना चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप जब पूजा करने बैठते हैं, तो आप किसी आसन पर बैठती है, कभी भी आप नीचे ना बैठिए, यहाँ तक कि अगर आप खड़े होकर पूजा करते हैं, तो भी आप अपने पैरों के नीचे कोई एक आसन बिछा दें, जूट का आसन हो तो बहुत अच्छा है, कपड़े का हो, ठीक है, आसन आप ज़रूर डालें। आसन के बिना आप लगा सीधे पृथ्वी पर बैठकर या सीधे पृथ्वी पर खड़े होकर पूजा ना करें, कोई ना कोई आसन ज़रूर रखें, आसन बहुत ज़रूरी है पूजा करते वक्त, बिना आसन के पूजा ना करें। उसके बाद जब आप जोत कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो अगर जोत लगाते हैं, जोत बत्ती करते हैं ना, तो दीपक लगाना बहुत ज़रूरी है। आप दीपक लगाते हैं तो, अगर नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपके आले में, आपके भगवान जी के स्थल में, आपके पूजा स्थल में दीपक रखा हुआ है, तो जोत लगाना, दीपक जलना ज़रूरी है। या तो दीपक को वहाँ से हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, अगर वहाँ दीपक रखा है तो उसको स्वच्छ करके, उसको धोकर उसमें जोत करना ज़रूरी है। अब दीपक आप अपनी श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार लगा सकते हैं। देखिए, वैसे तो विधान बताया हुआ है, पर गुरु महाराज ने कि भाई किसको घी का दीपक लगाना चाहिए, किसको तेल का लगाना चाहिए, किसको तिल के तेल का लगाना चाहिए, पर फिर भी उन्होंने, जब कलयुग की बात आती है तो कलयुग में केवल नाम आधारा की बात है, तो आप यहाँ पर दीपक जलाना ज़रूरी है। दीपक किसी का भी जला सकते हैं, आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं, आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, जिस भी प्रक्रिया से आप करना चाहें दीपक ज़रूर जलाएं, दीपक जलाना ज़रूरी है, दीपक ज़रूर लगाएं। धूप बत्ती रखते हैं तो धूप बत्ती लगाएं, अगरबत्ती रखते हैं तो अगरबत्ती लगाएं। कुछ समाज में अगरबत्ती नहीं लगाते, जैसे हम लोग अगरबत्ती नहीं लगाते, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अगरबत्ती नहीं लगाता हूँ, अगरबत्ती क्योंकि हमारे समाज में माना जाता है कि अगरबत्ती में बांस होता है, बांस हम लोग अर्थी में लगाते हैं, तो इसलिए हम अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करते हैं, हम अगरबत्ती नहीं लगाते हैं। तो आप भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगा, पर दीपक अगर रखा हुआ तो दीपक ज़रूर जलाएं, अपने सामर्थ्य अनुसार जलाएं, पर दीपक ज़रूर जलाएं। और इससे आगे घंटी अगर आपने रखी हुई है तो आप घंटी एक बार ज़रूर बजाएं, चाहे पूरी पूजा में बजाएं ना बजाएं, एक बार घंटी ज़रूर बजाएं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपने इस तरह के रखे हुए हैं, जितने भी आइटम आपके पास है, घंटी है, शंख है, या कोई ढोल है, या डमरू है, कुछ अगर रखा हुआ है तो उसको स्वच्छ करें और उसको बजाएं जरूर, एक बार ज़रूर बजाएं, कम से कम उसको एक बार ज़रूर बजाएं उस इंस्ट्रूमेंट को। क्योंकि जिस वक्त आपके पूजा घर में कोई भी इस तरह का आइटम रखा होता है, कोई भी इस तरह की चीज़ वस्तु रखी होती है, तो वह भी एक दिव्य आइटम है। कोई भी शंख है, घंटी है, डमरू है, ये सब दिव्य आइटम है, और इन सब की पूजा होना आवश्यक है, इन सब का प्रयोग होना आवश्यक है, तो इनको ज़रूर बजाएं, एक बार ज़रूर बजाएं। अगर आपके घर में किसी देवी देवता की स्थापना आपने दी हुई है, स्थान दिया हुआ है,
जैसे बहुत सारे लोग देवी देवता को अपने घर में स्थान दे देते हैं, पक्की स्थापना कर देते हैं, तो अगर वो ऐसा क्या हो तो उस स्थान का सफाई बहुत ज़रूरी है, नित्यांत आवश्यक है उस जगह की सफाई करना, उन देवी देवताओं को चढ़ावा चढ़ाना, उन दोनों उन देवी देवताओं को जो भी जिस भी इष्ट को आपने स्थान दिया हुआ है उसको भोजन उनका भोग ज़रूर लगाना, उनके अगर उन्होंने कपड़े भी दिए हुए हैं तो उनको कपड़े ज़रूर पहनाना। जैसे कि मैं बता दूं, लड्डू गोपाल की स्थापना बहुत लोग करते हैं, लड्डू गोपाल जी की स्थापना, तो मेरे लड्डू गोपाल जी की जय। लड्डू गोपाल जी की स्थापना करने का सीधा सा अर्थ है कि जैसे एक बच्चे की पूजा होती है, बच्चे को संभालते हैं, बिल्कुल उस तरह से लड्डू गोपाल जी का हम लोग स्थान देते हैं। लड्डू गोपाल जी का झूला, पहनावन, नहलावन, धुलावन, खिलावन सब कुछ करना पड़ता है। पर बहुत सारे लोग आजकल जो है कि चलन चलन में लड्डू गोपाल जी को ले तो आते हैं पर उनका कुछ करते नहीं हैं, तो ये उनको दोष देता है, पाप देता है, इससे उनको पाप लगता है, उल्टा उनको दोष लगता है। हाँ, एक चीज़ की जा सकती है ऐसे में, अगर आप किसी भी ऐसी स्थापना कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता को जगह दे रहे हैं तो आप उनके साथ कोई नियम ना बांधिए, क्योंकि जब भी आप नियम बांधते हैं तो समस्या जब ज़्यादा पैदा होती है, अगर नियम नहीं बांधते हैं तो कोई भी समस्या पैदा नहीं होती है। भाई देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति आकर आपको डेली 100 रुपये दे, रोज आए और आपको 100 रुपये दे, तो जिस दिन वो नहीं आएगा उस दिन अगले दिन तक 24 घंटे जिस समय आता है उस समय से लेकर अगले 24 घंटे तक आप उसका इंतज़ार ज़रूर करेंगे, किलसते रहेंगे कि वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, क्योंकि आप इंतज़ार करते हैं, क्योंकि नियम बना हुआ है। तो इसी तरह देवी देवता होते हैं या दान पुण्य होता है तो उनको नियमों के अनुसार ना करें। अगर आप नियम बांध के कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका फल तो जल्दी मिलता है आपको, पर अगर इनकेस वो नियम टूटता है तो उसका दुष्परिणाम ज़्यादा जल्दी मिलता है आपके फल के मुकाबले, तो उसका भी ध्यान रखें आप, कोई भी नियम ना बांधें। तो उसके बाद जैसे भी आपने ज्योत बत्ती कर ली, आपने दीपक जला लिया, आपने जो भी करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूंगा, कभी भी पूजा करते वक्त, किसी भी ईष्ट की आप पूजा करते हैं तो कभी भी पूजा करते वक्त आरती सबसे पहले ना बोलें। अगर आपने आरती सबसे पहले बोल दी है तो वो आपकी बाकी पूजा को ख़त्म कर देती है। आरती सबसे पहले ना बोलें, आरती बाद में बोलनी चाहिए, सबसे अंतिम में आरती बोलनी चाहिए, और सबसे लास्ट में, इतना कुछ करने के बाद, इतनी सावधानी बरतने के बाद, सबसे लास्ट में आपको हाथ जोड़कर अपने ईष्ट से आपने जो भी पूजा की है उसको स्वीकार करने का निवेदन करना चाहिए, बोलना चाहिए कि हे गुरु महाराज, हे महाराज, आप मैंने जो भी पूजन किया है, मैं कोई नियम नहीं जानता हूँ, नहीं जानती हूँ, मैं कोई पूजा पाठ ना जानता हूँ, ना जानती हूँ, मैंने जैसा भी टूटा फूटा जो भी किया है, अपूर्ण किया है, उसको आप पूर्ण करें, उसको आप स्वीकार करें, मुझ पर अपनी कृपा करें, मेरी गलती को क्षमा करें। ये गलती की जो क्षमा है आपको रोज़ जब भी आप पूजा करें आपको ज़रूर से मांगनी होती है, क्योंकि आप पूजा कितने भी अच्छे से कर लें आप पूजा ठीक से नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसकी क्षमा ज़रूर मांगनी होती है पूजा की, रोज़ जब भी आप पूजा करें। तो दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे से नियम, बिल्कुल देखिए सामान्य नियम है, बिल्कुल गृहस्थी के नियम है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई बहुत विद्वानों वाले नियम बताए हैं या जो अखाड़ों में नियम किए जाते हैं, जो तपस्वियों द्वारा नियम किए जाते हैं, जो साधु महात्माओं द्वारा नियम किए जाते हैं, वो नियम बताए नहीं, ये बाबा गुरु गोरखनाथ के वो आदेश हैं, वो शिक्षा है जो एक गृहस्थी के लिए है, जो एक सामान्य मनुष्य के लिए है, जो गृहस्थी में है, गृहस्थ जीवन जीता है, उसको वो पूजा पद्धति कैसे करनी चाहिए, उसको पूजा किस किस छोटे छोटे नियमों का अनुसरण करना चाहिए, ये वो नियम है। आप इस तरह से अगर इन नियमों को मानकर इस तरह से अगर आप पूजा करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा से आपकी पूजा बहुत जल्दी होगी, और आपके जो ईष्ट है, जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं, वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और वो आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेंगे। अगर आपने इस तरह से पूजा की, इन नियमों को बांधते हुए पूजा की, तो आपके इष्ट आपसे प्रसन्न जरूर हो जाएंगे, जल्दी ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आप जो भी प्रार्थना करेंगे वो स्वीकार की जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि खुशियाँ आएंगी। तो आप पूजा कीजिए सावधानियों के साथ, नियमों के साथ कीजिए, और अपने इष्ट को याद करके, सच्चे मन से याद करके, भावना के साथ कीजिए, क्योंकि भगवान सिर्फ भावना का भूखा है, ध्यान रखिएगा, ईश्वर केवल भावना का भूखा है, उसे आपका चढ़ावा नहीं चाहिए, उसे आपके पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसको पैसे क्या चाहिए, वो तो दुनिया भर को पैसे देता है, हमारे 10-20-100 रुपये उसको क्या चाहिए, वो लाखों करोड़ों बांट देता है ऐसे ही, अरबों, उसके पास तो अकूत है, तो उसको हमारे 10-20-100 रुपये की जरूरत नहीं है, तो उसको आपका चढ़ावा नहीं चाहिए, उसको आपको धन दान नहीं चाहिए, उसको केवल आपकी भावना चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी
प्रार्थना चाहिए। तो अपने प्यार से प्रार्थना भावना से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर का याद कीजिए और इन नियम को याद रखिए, आपकी पूजा जरूर सफल होगी, आपकी साधना जरूर सफल होगी। गुरु गोरखनाथ हम सभी पर कृपा करें, कृपा क्या करके मेरा भी साथ दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे गुरु गोरखनाथ, मेरे महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। गुरु गोरखनाथ सब पर कृपा करें, इसी आशा के साथ बोल श्री गुरु गोरखनाथ की जय। सिद्ध बाबा महाराज की जय।